डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे 10th मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। के की कीमत मालूम करें अगर मदरजा ज़ैल मसावातों के रूट्स बराबर हों। तो हमारे पास इसका पहला पार्ट है, इक्वेशन है 2k-1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम अजीज तलबा सबसे पहले हमेशा की तरह सोल्यूशन लिख के इसी इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। इक्वेशन हमने दोबारा लिख ली। अब हमने इसी इक्वेशन में से ए, बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में निकाली थी। तो इसमें ए बराबर आ जाएगा 2k-1, बी की वैल्यू आ जाएगी 3k और सी की आ जाएगी प्लस का 3। अब अजीज तलबा, चूँकि उसने खुद बोला था कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, यानी कि रूट्स बराबर हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था रूट्स के एग्जाम में या फिर नेचर ऑफ रूट्स में कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स बराबर तब होते हैं अगर फ़र्क निंदा बराबर आ जाए 0 के, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ जाए 0 के। तो हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे एज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल सो फ़र्क निंदा बराबर है 0 के। ये फ़र्क निंदा हमारा बी स्केयर माइनस 4 ए सी के बारे में पढ़ाते हैं, हमारा फ़र्क निंदा यानी कि हम बी स्केयर माइनस 4 ए सी को बराबर रख लेंगे 0 के। अब अजीज तलबा, इंतहाई आसान काम है, तीनों पार्ट्स के एक जैसे हैं। हमने फ़र्क निंदा में ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास बी की वैल्यू क्या है जी, 3k है। हम बी की जगह लिखेंगे 3k और इसका स्केयर ऊपर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2k-1 इंटू सी की जगह वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको हल करेंगे, ये है 3k का स्केयर, 3 का स्केयर बन जाएगा 3 3 9 और k का स्केयर बन जाएगा k की 2। अब आप ऐसे करिए, 4 2k-1 और ये 3, तीनों टर्म आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनको कर लेंगे कोफिशंट्स को, ये 4 3 12 बन जाएगा और ये 7 फिलहाल वैसे ही लिखेंगे स्टेप में 2k-1 इजिकल टू 0। अब ये बन जाएगा 9k² वैसे ही आ जाएगा, इस 12 को अंदर कर दो मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12 2 24 और ये 7k आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 1 12 इजिकल टू 0। अब इस तरफ हमने इसे क्या करना है, मयारी फॉर्म में लेके आना है, पहली आ चुकी है, इसमें से जस्ट कामन ले लो। देखें क्या कामन आ रहा है जी, 3 का टेबल बड़े 9 भी बनता है, 24 भी बनता है, 12 भी बनता है, तो हम इसमें से 3 कामन ले लेंगे। 3 कामन लिया, क्या बना, 3 3 9 यानी कि 3 3 9, यहाँ 3 आ जाएगा और ये k² बन जाएगा, नफी 3 8 24 7k आ जाएगा और जमा 3 4 12 इक्वल टू 0। अब उस तलबा 3 दूसरी साइड भी जाके डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, तो यानी कि 3 ख़त्म हो गया, 3k² माइनस का 8k प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इस तलबा में इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखूंगा और फिर इसके हम जोड़े बना के हल करेंगे। ये हमने क्वेश्चन दोबारा लिख ली। अब इस तरह इसको हमने हल करना है, करेंगे क्या, हम इसकी तजी कर देंगे, इनके जोड़े बना के हल करेंगे। जोड़े बनाने के तरीका का हमने पीछे सीखा था, मज़ीद इसकी वीडियो में डाल दूंगा एंड कार्ड में, आप इसका डिटेल से तरीकाकार सीख सकते हैं जोड़े बनाने का। हम क्या करेंगे, 4 को इधर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 12। अब हम 12 के ऐसे जोड़े बनाएंगे, प्लस माइनस करें तो दरमियान का माइनस का 8k पूरा हो। ये हमें प्लस बता रही है कि दोनों जोड़े सेम बनेंगे, जब दोनों जोड़े सेम बनते तो उनको ऐड करके पूरा करते, तो 12 के जोड़े बन जाएंगे 6 2 12 6 2 12 भी होता है और 6 और 2 8 भी होता है। हमारा जोड़ा बनेगा माइनस का 8 और माइनस का 6 2 12 माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 बन जाएगा। तो हम इसको इधर लगाएंगे जोड़े, ये हम पहले वैसे लिख लेंगे, 3k² भी वैसे लिख लिया और प्लस का 4 भी वैसे लिख लिया इक्वल टू 0। अब हम माइनस 8k की जगह क्या लगाएंगे, माइनस का 6k और ये माइनस का 2k। अब देखिए पूरा हो रहा है, माइनस का 6k और माइनस का 2k माइनस का 8k पूरा। अब हम पहली दो टर्म में से देखें क्या चीज़ कामन है, 3 भी कामन है, 3 2 6 और के भी कामन, यहाँ से 3k ले लिया कामन, बाकी यहाँ से क्या बचा, k बचा, माइनस 3 का पाड़ा पड़ो 6 बना 3 2 6
कि ये बाहर कॉमन आ चुका है। यहाँ से देखिए माइनस का टू कॉमन आ रहा है क्योंकि टू टू ज़ा फोर होता है, माइनस का टू कॉमन लिया। अंदर क्या बचा के, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस कॉमन ली, और दो दो चार बराबर ज़ीरो। अब के माइनस टू दोनों के पास, इसे आप एक बार लिख लें यानी कि कॉमन ले लें, और यहाँ से क्या बचा थ्री के माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसके दो पार्ट कर देंगे, हम कहेंगे या तो के माइनस टू है बराबर ज़ीरो के, या फिर थ्री के माइनस टू बराबर है ज़ीरो के। तो यहाँ से के की वैल्यू बन गई के इज इक्वल टू प्लस का टू, और यहाँ से के की वैल्यू बन जाएगी थ्री के इज इक्वल टू इधर आके प्लस का टू बन गया, और के की वैल्यू आ गई जी टू ओवर थ्री।